नेक्स्ट हमारे पास है पार्ट नंबर 8, इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर एम टेंजेंट इनवर्स एक्स डिवाइड बाई 1 + x². तो इसे हम सब्सटीट्यूशन मेथड से सॉल्व करेंगे। यहाँ पर हम सबसे पहले लेट कर लेते हैं, ए इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स एक्स। अब डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो यहाँ पर डी ए ओवर डी एक्स आ जाएगा। इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इसका फॉर्मूला होता है 1 + x², सही है। अब डी एक्स नहीं चाहिए हमें, क्योंकि यहाँ पर देखिए 1 + x² और ये वाली वैल्यू मौजूद है, तो इसको हम फाइंड करने के लिए डी ए फाइंड करेंगे 1/1 + x² डी एक्स। अब इसको हम अलहदा करके लिख लेते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द ओवर एम एक्स टेंजेंट इनवर्स एक्स, और यहाँ पर डी एक्स ओवर 1 + x². तो इन दोनों की हमारे पास वैल्यूज आ गई हैं, इसकी और इन सब की। तो वो हमारे पास किसके इक्वल है, इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर एम, और ये हमारे पास टेंजेंट इनवर्स एक्स ए के इक्वल है, और ये वाली पूरी वैल्यू डी ए के इक्वल है, सही है। अब उसके बाद फॉर्मूला क्या है हमारे पास, यूजिंग जब हमारे पास इंटीग्रेशन में कोई पाव एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो एन एक्स डी एक्स, वो हमारे पास किसके इक्वल हो जाता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन एज इट इज़ डिवाइडेड बाय उसकी पावर प्लस कॉन्स्टेंट। तो यहाँ पर भी हम यही करेंगे, ई टू द पावर एम एक्स एम ए एज इट इज़ डिवाइडेड बाय उसकी पावर एम, उसकी पावर है ए, तो हमने अपनी तरफ से सपोज किया है प्लस कॉन्स्टेंट। अब उसके बाद पुट कर देते हैं ए की वैल्यू, ए हमारे पास टेंजेंट इनवर्स एक्स है, तो इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा ई टू द पावर एम टेंजेंट इनवर्स एक्स डिवाइडेड बाय एम प्लस कॉन्स्टेंट इज द आंसर। 9, इंटीग्रेशन ऑफ 2x डिवाइड बाई 1 - sin x डी एक्स। तो इसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे, इसमें तो हमारे पास कोई भी वैसा फंक्शन नहीं बन रहा, तो ऊपर नीचे हम सेम फंक्शन बनाएंगे। तो हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ 2x यहाँ पर 1 + sin x, नीचे भी हम 1 - sin x, ये तो सेम ही रहेगा, और नीचे हम 1 + sin x, क्योंकि ये हमारे पास ए ए माइनस बी और ए प्लस बी इक्वल होता है a² - b² के। तो यहाँ पर हमारे पास हो जाएगी, ऊपर वाला सेम रहेगा, 2x 1 + sin x डी एक्स डिवाइडेड बाय, नीचे हमारे पास आ जाएगा 1 - sin² x, जो कि हमारे पास इक्वल होता है 1 = sin² x प्लस cos² x, और अगर 1 - cos² की वैल्यू फाइंड करनी तो 1 - sin² x इज इक्वल टू cos² x, सही है। ये इधर ले गए तो ये इसकी cos² x की वैल्यू आ गई, तो इसकी जगह ये वैल्यू पुट कर देंगे, इंटीग्रेशन ऑफ 2x 1 + sin x dx, ये सेम चलता रहेगा ऊपर वाला, डिवाइड बाय नीचे हमारे पास आ जाएगा cos² x। अच्छा, अब 2 कांस्टेंट है तो इसे बाहर निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर हम इंटीग्रेशन ऑफ 2x, ये दोनों कांस्टेंट है, इसे बाहर निकाल लेते हैं, 1/cos² x हो जाएगा, क्योंकि ये हमारे पास ए प्लस बी डिवाइड बाय सी इज इक्वल टू ए डिवाइड बाय बी प्लस सी डिवाइड बाय बी, ये वाला केस बन गया, -sin x डिवाइड बाय cos² x डी एक्स, सही हो गया। इंटीग्रेशन ऑफ 2x 1/cos होता है हमारे पास सीकेंट, तो यहाँ पर सीकेंट स्क्वेयर एक्स हो जाएगा, माइनस साइन को एक अलग करेंगे तो वो हो जाएगा हमारे पास टेंजेंट, और दूसरे वाले 1/cos होता है सीकेंट डी एक्स, सही है। आप चाहें तो एक स्टेप बढ़ा के उसे लिख सकते हैं। तो अब 2x को इन दोनों के साथ
मल्टीप्लाई कर, टू को बल्कि कॉमन निकाल लेते हैं बाहर और एक्स को अंदर करवा देते हैं मल्टीप्लाई, और अलग अलग इंटीग्रेट कर देते हैं, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ टेंजेंट एक्स सीकेंट एक्स डी एक्स। यहाँ पर हमारे पास टू, अब इसे इंटीग्रेट करेंगे, ये हमारे पास फर्स्ट फंक्शन होगा और ये सेकंड फंक्शन होगा। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, सेकंड स्क्वायर की इंटीग्रेशन होती है टेन एक्स, सही है, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ टेन एक्स हमारे पास होता है वन, सही है, ये हो गया। और माइनस इस हमारे पास यहाँ पर एक्स इसके साथ भी आएगा ना, ये हमारे पास एक्स हो जाएगा और ये हमारे पास फर्स्ट टर्म हो जाएगी और ये सेकेंड टर्म हो जाएगी। तो फर्स्ट टर्म एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, इंटीग्रेशन ऑफ टेंजेंट एक्स सेकेंड एक्स, हमारे पास टेन सेकेंड एक्स होता है, माइनस इंटीग्रेशन सेकेंड एक्स, ये सेकेंड वाली टर्म दोबारा लिखते हैं, डेरिवेटिव ऑफ वन हमारे पास एक्स आ जाएगा डी एक्स। अब उसके बाद हमारे पास टू एक्स टेन एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ टेन एक्स हमारे पास होता है नेचुरल लॉग ऑफ सीकेंड एक्स, ये फॉर्मूले याद रखने हैं, माइनस ब्रैकेट क्लोज, और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा एक्स सीकेंड सीकेंड एक्स माइनस सीकेंड का डेरिवेटिव, हमारे पास सिर्फ सीकेंड का हमारे पास डेरिवेटिव होता है नेचुरल लॉग ऑफ सीकेंड एक्स प्लस टेन एक्स प्लस कॉन्स्टेंट। अब उसके बाद ये टू भी इन सब के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो टू को भी मल्टीप्लाई करवाएंगे, यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा टू एक्स टेन एक्स माइनस टू नेचुरल लॉग ऑफ सीकेंड एक्स, अब ये हमारे पास माइनस हो जाएगा टू एक्स सीकेंड एक्स, और ये माइनस माइनस प्लस टू नेचुरल लॉग ऑफ सीकेंड एक्स प्लस टेन एक्स प्लस कॉन्स्टेंट। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। हमारे पास है पार्ट नंबर टेन, इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर एक्स वन प्लस एक्स डिवाइडेड बाय टू प्लस एक्स की पावर टू। ये हमारे पास पार्ट नंबर सिक्स की तरह है, इसमें हम नीचे और ऊपर वाली टर्म सेम बनाएंगे, तो हम क्या करेंगे ई टू द पावर एक्स वन ऐड भी करवा देंगे और सब्ट्रैक्ट भी करवा देंगे, प्लस एक्स माइनस वन, यानी हमने ऐड वन करवा दिया, वन पहले से था वो इधर आ गया और नीचे वाला सेम रहेगा, सही है। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा ई टू द पावर एक्स, यहाँ पर टू प्लस एक्स हो जाएगा माइनस वन डिवाइडेड बाय, और ये ई टू द पावर एक्स इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, प्लस एक्स का स्क्वायर डी एक्स, यहाँ पर भी डी एक्स। अब उसके बाद ई टू द पावर एक्स टू प्लस एक्स एक तरफ कर लेते हैं, टू प्लस एक्स की पावर टू डी एक्स माइनस ई टू द पावर एक्स के साथ भी मल्टीप्लाई होगा डिवाइडेड बाय टू प्लस एक्स का स्क्वायर डी एक्स, सही है। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगी ई टू द पावर एक्स डिवाइडेड बाय, नीचे हमारे पास आ जाएगी टू प्लस एक्स, क्योंकि ये इसकी पावर वन है, वन माइनस टू तो माइनस वन आ जाएगी और वो नीचे आके पॉजिटिव वन हो जाएगी डी एक्स, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर एक्स डिवाइडेड बाय टू प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब उसके बाद यहाँ पर इसकी पावर वन है और टू है, तो ये दोनों कट ऑफ नहीं हो सकती, हमें इंटीग्रेशन ही करनी पड़ेगी बाय पार्ट्स। तो हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन ई टू द पावर एक्स और वन ओवर टू प्लस एक्स, इसको हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करेंगे। तो ये हमारे पास यहाँ पर सेम आ जाएगा टू प्लस एक्स की पावर टू डी एक्स। अब उसके बाद ये हम फर्स्ट टर्म लेंगे, क्योंकि हमारे पास फर्स्ट टर्म का डेरिवेटिव होता है, इसका डेरिवेटिव क्या होगा हमारे पास
इसकी पावर हो जाएगी 2 प्लस एक्स की पावर -1, ऊपर जाके -1, और इसका डेरिवेटिव लेना है। तो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा पावर, पहले फंक्शन एज इट इज़ पावर के अंदर हम एक ऐड करेंगे तो -2 आ जाएगा, तो इसे हम 1/2 प्लस एक्स की पावर स्क्वायर लिख सकते हैं। तो इसका डेरिवेटिव मौजूद है, सही है। तो हम इसे फर्स्ट फंक्शन लेंगे 1/2 प्लस एक्स, और डेरिवेटिव ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमारे पास होता है इंटीग्रेशन, सॉरी डेरिवेटिव नहीं, एक्स एन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू ई टू द ओवर एन एक्स डिवाइड बाई एन। तो यहाँ पर ई टू द ओवर एक्स डिवाइड बाई 1 आएगा, 1 लिखने की ज़रूरत नहीं, माइनस इंटीग्रेशन ये दोबारा लिखते हैं। और डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट हमारे पास अभी हमने फाइंड किया है -2 प्लस एक्स की पावर 2 माइनस ये वाला फंक्शन एज इट इज़, सही है। अब उसके बाद ई टू द ओवर एक्स डिवाइड बाई 2 प्लस एक्स, ये सेम आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द ओवर एक्स डिवाइड बाई 2 प्लस एक्स का स्क्वेयर डी एक्स, और माइनस ये वाली इंटीग्रेशन लिखते हैं ई टू द ओवर एक्स डिवाइड बाई 2 प्लस एक्स का स्क्वेयर होल स्क्वेयर और डी एक्स, ये वाली हमारे पास अलग टर्म है। तो यहाँ से हमारे पास ये वाली टर्म देखें, ये प्लस में है और ये नेगेटिव में है, तो ये हमारे पास कट ऑफ हो जाएगी, और हमारे पास सिर्फ बचेगा ई टू द ओवर एक्स डिवाइड बाई 2 प्लस एक्स प्लस कॉन्स्टेंट। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। अच्छा जी, हमारे पास एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 5 का अब लास्ट पार्ट है, पार्ट नंबर 11। इसमें देखते हैं हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस साइन एक्स ई टू द ओवर एक्स डिवाइड बाई 1 माइनस कॉस एक्स डी एक्स। तो ये हमारे पास 1 के नीचे, यानी ई, ये पहले हम इसे मल्टीप्लाई करके लिख लेते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द ओवर एक्स 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा, और इसके साथ होगा तो माइनस ई टू द ओवर एक्स साइन एक्स डिवाइडेड बाय यहाँ पर 1 माइनस कॉस एक्स डी एक्स। अब उसके बाद ये हमारे पास इसके नीचे भी डिवाइड होगा और इसके नीचे भी, तो ये हमारे पास आ जाएगा ई टू द ओवर एक्स डिवाइड बाय 1 माइनस कॉस एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द ओवर एक्स साइन एक्स डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस एक्स डी एक्स, सही है। और हमारे पास 1 माइनस कॉस एक्स हाफ एंगल फार्मूला में इक्वल होता है 2 साइन स्क्वेयर एक्स डिवाइडेड बाय 2, और साइन एक्स इक्वल होता है 2 साइन एक्स डिवाइडेड बाय 2 और कॉस एक्स डिवाइडेड बाय 2। और ये फार्मूला ड्राइव किधर से हुआ है, साइन 2x इज इक्वल टू 2 साइन एक्स और कॉस एक्स, सही है। तो जब 2 हम रिमूव करवाएंगे x के साथ, तो ये 2 इन दोनों के नीचे x के नीचे डिवाइड हो जाएगा, और साइन एक्स का ये वाला फार्मूला बन जाएगा, सही है। तो यहाँ पर साइन एक्स की जगह पे और यहाँ पर इन दोनों की जगह पे हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा इंटीग्रेशन ई टू द ओवर एक्स सेम रहेगा, नीचे हमारे पास आ जाएगा 2 साइन स्क्वेयर एक्स डिवाइडेड बाय 2 डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ई टू द ओवर एक्स, यहाँ पर हो जाएगा 2 साइन एक्स डिवाइडेड बाय 2 और कॉस एक्स डिवाइडेड बाय 2, और डिवाइडेड बाय नीचे हमारे पास 2 साइन स्क्वेयर एक्स डिवाइडेड बाय 2 dx। यहाँ से 1/2 को हम बाहर कॉमन निकालेंगे, कॉन्स्टेंट ये इसके साथ कट जाएगा 1, और 2 से के साथ कट जाएगा, तो यहाँ पर हमारे पास 1/2 बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ e टू द ओवर x ओवर साइन स्क्वेयर x डिवाइड बाई 2 माइनस इंटीग्रेशन e टू द ओवर x, यहाँ से हमारे पास बचेगा कॉस एक्स डिवाइडेड बाय 2 ओवर
साइन एक्स डिवाइडेड बाई टू डी एक्स डी एक्स। तो हमारे पास वन ओवर कॉस इक्वल होता है कोसेकेंट के, तो ई टू द पावर एक्स कोसेकेंट स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई टू डी एक्स माइनस यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर एक्स इक्वल होता है कॉट एक्स ओवर टू डी एक्स। अब उसके बाद हम इसको सेम रहने देंगे, इसको इंटीग्रेट करवाएंगे। तो हमारे पास इसकी इंटीग्रेशन मौजूद है और इसकी इंटीग्रेशन थोड़ी मुश्किल होगी, तो इसे वन और इसे सेकेंड नाम दे देते हैं। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करवाएंगे, तो यहाँ पर हमारे पास वन ओवर टू ये सेम आ जाएगा ई टू द पावर एक्स कोसेकेंट स्क्वायर एक्स डिवाइड बाय टू डी एक्स और माइनस फर्स्ट टर्म एज इट इज़ कॉट एक्स डिवाइड बाय टू और इसकी इंटीग्रेशन ई टू द पावर एक्स ही होगी माइनस ई टू द पावर एक्स डेरिवेटिव ऑफ कॉट एक्स हमारे पास होता है माइनस कोसेकेंट स्क्वेयर एक्स डिवाइडेड बाय टू। सही है। अब उसके बाद हमने ये तो सेम ही रहेगा ई टू द इंटीग्रेशन का सिंबल है एक्स कोसेकेंट स्क्वेयर एक्स डिवाइडेड बाय टू डी एक्स माइनस कॉट एक्स डिवाइडेड बाय टू ई टू द पावर एक्स माइनस माइनस प्लस माइनस दोबारा से माइनस ही हो जाएगा ऐसे माइनस। अच्छा ये वन बाय टू इसके नीचे इसके साथ भी आ जाएगा क्योंकि ये इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर एक्स कोसेकेंट स्क्वेयर एक्स डिवाइडेड बाय टू और ये वन बाय टू ना इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा क्योंकि हम इस वाली टर्म को इंटीग्रेट कर रहे थे, तो वन बाय टू इस सब के साथ मल्टीप्लाई होगा। अब देखिए हमारे पास ये वाली टर्म पॉजिटिव साइन के साथ है और ये वाली नेगेटिव साइन के साथ है, तो ये हमारे पास कट जाएगी और हमारे पास सिर्फ बचेगा माइनस कॉट एक्स डिवाइडेड बाई टू ई टू द पावर एक्स डिवाइडेड बाई टू प्लस कॉन्स्टेंट। तो ये हमारे पास इसका आंसर है। सो दिस वॉज द एक्सरसाइज 3.4। आई होप आपको समझ आई हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।